हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने प्यारे चैनल यूनिक गार्डन गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्लांट नाग चंपा के बारे में बताएंगे और उसकी फ्लावरिंग भी आपको दिखाएंगे कि कैसे उसकी ज़बरदस्त फ्लावरिंग आपको अट्रैक्ट करती है। आप भी अपने यहाँ यदि नाग चंपा प्लांट लगाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप देखेंगे इससे सारी जानकारी आपको नाग चंपा से मिलेगी, कैसे इसकी केयर करना है, इसको घर में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, इन सारी बातों की आपको एकदम बिल्कुल क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने भी अपने गार्डन में नाग चंपा के प्लांट लगाए हुए हैं? क्या उस नाग चंपा के प्लांट में भी फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है? आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं और गार्डन में आपने नाग चंपा लगाया हुआ है और नाग चंपा में फ्लावर की खुशबू गार्डन में चारों तरफ आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विषैले जंतु सर्प को वो आकर्षित कर रहा हो? कहीं आपके प्लांट में जहरीले जंतु विषैले सर्प लिपटे हुए तो नहीं हैं? इस वीडियो को देखने से आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। आप यह जान जाएंगे कि आपको नाग चंपा अपने गार्डन में लगानी है या नहीं लगाना। नाग चंपा एक बेहतरीन फूलों वाला पौधा है, इसको भी विशेष केयर की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर करके ये गार्डनर अपने गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर लगाते हैं। सबसे बड़ी खासियत इस प्लांट की रहती है कि इस प्लांट को विशेष केयर की ज़रूरत नहीं होती। इसे कम पानी, कम खाद की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी बात है कि यदि आपने ये प्लांट अपने यहाँ लगाया है तो इस प्लांट को आप सनी लोकेशन में ही रखें। सेमी शेडेड एरिया में रखने में इस तरह की फ्लावरिंग आपको अपने यहाँ नहीं मिलेगी। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आपने इतने प्लांट को लगाया है तो उसको जहाँ धूप दिन भर आती हो उसी एरिया में नाग चंपा के प्लांट को आप रखें। अब बात करते हैं इसके सॉयल मीडिया की। इसकी सॉयल मीडिया वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है और न ही ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होती है। अतः आप इसे पानी उसी अवस्था में दें जब इसकी गमले की मिट्टी की ऊपरी सतह काफ़ी ड्राई हो जाए। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइजर की। इसको आप उसी तरह से फर्टिलाइज करें जैसे आप अपने अन्य फ्लावरिंग प्लांट की करते हैं। जो फर्टिलाइजर आप उसमें देते हैं वही फर्टिलाइजर आप इसको समय समय पर दीजिए। इस प्लांट के बारे में काफ़ी मिथक प्रचलित है कि जहाँ पर ये प्लांट होगा वहाँ सांप आएंगे, विषैले जीव जंतु आएंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा मिथक इसलिए भी प्रचलित है कि इस प्लांट की पत्तियाँ का कोना जो होता है वो नाक के रूप में होता है, फन के रूप में होता है। इसीलिए लोगों की यह धारणा बन जाती है कि यह नाग चंपा से नाग जो है आकर्षित होकर हमारे गार्डन में आएंगे, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। नाग चंपा के फूल सफ़ेद और बीच में येलो कलर का पुट लिए हुए होते हैं। इसके फ्लावर्स काफ़ी दिनों तक टिके रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही इसके फ्लावर्स ख़त्म हो जाएंगे, जबकि इसके फ्लावर जो है 6 से 7 दिन 8 दिन इस तरह से इसके फ्लावर एक बार बंचों में खिल जाते हैं तो उसके बाद ये काफ़ी दिनों तक आपके गार्डन की शोभा बढ़ाते रहते हैं। इस प्लांट को आप कटिंग के द्वारा भी अपने यहाँ ग्रो कर सकते हैं। एक बार इसे अपने यहाँ आपने लगा दिया तो ये साल भर आपकी फूलों की ज़रूरतों को पूरा करता रहता है। यह बहुत ही शानदार प्लांट है, इसको आप अपने यहाँ गार्डन में लगा सकते हैं। जब ये बंचों में खिलते हैं तो इस फ्लावर्स की भीनी भीनी सुगंध जो है आपके गार्डन को सुगंधमय कर देती है। नाग चंपा का प्लांट एक ट्री के शेप में ही होता है। वास्तव में यह एक ट्री होता है जिसे आप अपने यहाँ पॉट में भी लगा सकते हैं। इस प्लांट की फूलों, पत्तियों और जड़ों का विभिन्न बीमारियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि इसको फुल्ली सनी लोकेशन में आपको रखना है और इसके लिए जो सॉयल मीडिया आप तैयार करते हैं वो पूरी तरह वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यदि पानी रुकेगा तो ये प्लांट को ख़राब करेगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि बाहर गार्डेनर इसको लगाए हुए होते हैं तो इसको कोई विशेष पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है जो अपने आप ही बखूबी चलता चला जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपके काम आई होगी।
इस वीडियो को देख करके आपकी सारी भ्रांतियां दूर हो गई होंगी। इस प्लांट को आप नॉर्मली जैसे अन्य प्लांट को लगाते हैं वैसे लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।